बागपत से बड़ी खबर इस समय आपको दिखा रहे हैं। एक निजी स्कूल में अध्यापक रहे सेंसर पाल के मुताबिक जब उसने स्कूल संचालक से वेतन मांगा तो उसे वेतन नहीं बल्कि मार मिली है। जी हां, स्कूल संचालक ने अपने दबंग साथियों सहित उस पर हमला बोल दिया और बुरी तरह से पिटाई करने के बाद उसे धक्के देकर स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है। वहीं मामले की शिकायत बागपत जिले के रमाला थाना में की गई है। आपको बता दें कि जीवाना गांव के रहने वाले सेंसर पाल किरठल गांव में जो मेट्री पब्लिक स्कूल में शिक्षक हैं और स्कूल संचालक ने उन्हें 2 महीने का वेतन देने की बजाय उनकी पिटाई कर दी है। स्कूल के दूसरे अध्यापकों ने भी स्कूल संचालक नितिन चौहान के बारे में दादागिरी की बात कही है और बताया है कि वेतन मांगने पर नितिन पैसे नहीं धमकी और पिटाई देते हैं। मैं सेंसर पाल पुत्र वेदपाल सिंह निवासी ग्राम जीवाना जिला बागपत ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल किरठल में गणित अध्यापक के रूप में तैनात था। दिनांक 3 मार्च 2020 को मजबूरी वश मुझे जॉब छोड़नी पड़ गई। मेरी माताजी की तबीयत बहुत खराब थी। 24/3/2020 को मैं स्कूल मालिक नितिन जी से फोन करने के बाद अपना बकाया वेतन लेने के लिए उनके पास पहुंचा और स्कूल मालिक ने मुझे खुद कहा कि आप आ जाइए, आपको आपका वेतन दे दिया जाएगा। जैसे ही मैं स्कूल में पहुंचा, स्कूल मालिक नितिन और अन्य 2 व्यक्ति अमित वसी व गौरव नैन, इन्होंने मेरे वेतन की मांग करते ही मुझ पर जल्लाद थप्पड़ घूंसों से जो है बहुत बुरी तरह मेरी पिटाई की। करीबन 25-30 मिनट तक मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा और मुझे वहां से धक्के देकर निकाल दिया गया। मेरी इस तरह पिटाई की गई, मेरे जैसे सभी हाथ के कंधे और जैसे सभी कूल्हों में दर्द रहता है। मुझे पूरी रात जैसे दर्द निवारक तेल से मालिश करनी पड़ती है। लिहाजा आपसे नम्र निवेदन है कि मेरी इस व्यथा को सुनकर, मेरी दुख दर्द कहानी को सुनकर आप मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें।